नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मिथिलेश पटेल है और मैं कृषि नेटवर्क कंपनी की तरफ से आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरे साथ बातचीत के लिए आज एक किसान मौजूद हैं जिनका नाम बाल कृष्ण पटेल जी है और ये ग्राम सभा पनेवा पनेई जिला महाराजगंज उत्तर प्रदेश के ये रहने वाले हैं। तो आज मैं इनसे कुछ खेती के विषय में कुछ दो चार शब्द इनसे पूछना चाहूँगा। तो बालकृष्ण जी, आप खेती कब से करते हैं? 10 सालों से आप खेती करते हैं और इसमें ये बताइए आप कितनी जमीन पे खेती करते हैं? 7 एकड़ पे। अच्छा, आप 7 एकड़ पे, 700 डिसमिल पे आप खेती करते हैं और इसमें जैसे कि फसलें वगैरह जो हैं आप कौन कौन सी लगाते हैं? धान गेहूं लगाते हैं, तिलहन लगाते हैं, मसूर लगाते हैं, किराए लगाते हैं, यही सब लगाते हैं। तो इस टाइम तो मान के चलिए ये धान का सीजन चल रहा है, तो धान वगैरह का अभी रुपाई वगैरह चल रहा है। तो बालकृष्ण जी, आप ये बताइए ये जो धान की फसल है ये कौन से महीने में ये पक के तैयार हो जाएगी? सितंबर अक्टूबर में। अच्छा, सितंबर अक्टूबर में फसल पक के तैयार हो जाएगी। तो इसमें जैसे कि अभी आप धान की खेती किए हैं तो इसमें मान लीजिए जो बीज वगैरह आप लिए हैं वो बीज आप जैसे किसी सरकारी संस्था या किसी प्राइवेट दुकान से लिए हैं? प्राइवेट दुकान से लिए हैं, महाराजगंज परापर का दुकान है, 2-3 है वहाँ से लेते हैं हम, या तो मिठौरा ब्लॉक से लेते हैं। यहाँ पे तो मिलता नहीं है, जो हम लोगों का सहकारी सहकेंद्र है यहाँ पे मिलता नहीं, उपलब्ध नहीं हो पाता है, तो हम लोग इधर उधर से लेते हैं। तो इसमें जैसे ये है, आप जहाँ से बीज लेते हैं मान लीजिए प्राइवेट दुकान से लेते हैं, तो क्या आप वहाँ से लेने के बाद आप संतुष्ट हैं? संतुष्टि तो फिलहाल तो नहीं है, पैसा ज़्यादा लगता है, लेकिन आदमी किसान करे तो क्या करे, कहाँ से लाए। अच्छा अच्छा, और बालकृष्ण जी ये बताइए आप ये जैसे कि खेत वगैरह का जुताई वगैरह के लिए आपका आपके पास कौन सा साधन है? हमारे पास ट्रैक्टर है, पंपसेट है, यही यंत्र है हमारे पास किसान। अच्छा, ट्रैक्टर और पंपसेट ये यंत्र आपके पास हैं। और एक चीज़ ये बताइए आप जैसे कि मान लीजिए अभी आप बता रहे हैं कि अक्टूबर नवंबर में आपका फसल पक के तैयार हो जाएगा, तो हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि जैसे कि आप अपना जो फसल है आप कहाँ पे जैसे कि उसका उसको बेचते हैं, जैसे कि सरकारी गोदाम या किसी प्राइवेट दुकान? सरकारी गोदाम है यहाँ पे, झंझनपुर पड़ता है बैजनाथपुर में, वो पनेवा का ही है, कृषि सहकेंद्र है यहाँ का। अच्छा अच्छा, वहाँ पे गेहूँ हो या धान हो वहाँ पे हम बेचते हैं। अगर मान लीजिए किसी कारणवश वो काम नहीं वो नहीं चल रहा है तो मजबूरन मिलों को देना पड़ता है, जो गांव पे हमारे मिल है वो या तो वहाँ पे लगता है कृषि सेवा केंद्र, वहाँ पे देते हैं, या तो अगर नहीं लगेगा तो प्राइवेट में ही देना पड़ेगा। तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे बालकृष्ण जी, क्या आप बता रहे हैं अभी कि मतलब आप मिलरों को देते हैं, तो उसमें जैसे कि मान लीजिए ये मिलर जो हैं लोग ये आपको धान या गेहूं का मतलब रेट वगैरह मतलब अच्छा दे देते हैं? अच्छा तो नहीं मिलता है, अच्छा तो रेट नहीं मिलता है, बहुत कटौतियाँ होती हैं उसमें। अच्छा, अच्छा। जहाँ पे 10 रुपये का खर्चा वहाँ पर 20 रुपये लगता है। अच्छा अच्छा, लेकिन फिर भी यही सब लेते हैं और हमको अनाज अपना बेचना है। अच्छा, तो हम बेचे कहाँ। तो बालकृष्ण जी, आज आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा हमको और बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और दोस्तों, हमसे जुड़ने के लिए और जन जन की कहानी अपने आप तक पहुंचाने के लिए आप इंस्टॉल करिए कृषि नेटवर्क ऐप, जो आपको रखे हमेशा आगे। धन्यवाद।